रजिस्टर टू में लिख दिया जी, ये डीसी को ही ऑर्डर पारित करना होगा कि ये मुख्यालय ये अर्जित क्षेत्र से बाहर का है। पढ़ाएगा डीसी के पास तभी ना। अब सीओ साहब की एक चिट्ठी आई थी हमको कि इस पर आयडा से पत्राचार किया जा सकता है, तो मैं पूछा पत्र ले जाके सर आयडा में से पत्राचार कौन करेगा, हम तो एनओसी ले लिए, मेरा एनओसी का आपसे बोल रहे हैं कि संवैधानिक मान्यता नहीं है, तो फिर पत्राचार आप न कीजिएगा मैडम, तो आप कीजिए पत्राचार और वहाँ से ले लीजिए एनओसी। डीसी सरायकेला, आपके भू अर्जन के कार्यालय के रिकॉर्ड में यदि इनकी जमीन अर्जित नहीं है, उसके आधार पर आप इनके जमीन को इनको वापस करते हुए इनका रेंट रिसीट कटवाने का काम कर सकते हैं, वो आपके रिकॉर्ड में मिलेगा भू अर्जन के कार्यालय में। सर आयडा से रिपोर्ट आ गया सर कि उनके यहाँ ये जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है सर, और सीओ के ऑफिस में सर रजिस्टर टू में सर ये एंट्री किया हुआ है कि भूमि अधिग्रहित है, और सर ये 1980s के पहले का भूमि अधिग्रहण की मामला है सर, तो हम लोग चाईबासा से रिपोर्ट खुजवा रहे हैं सर, विद इन अ वीक सर हम इसको 22 में चढ़वा देंगे सर, क्योंकि एनओसी ऑलरेडी हम लोग आयडा से प्राप्त हो गया है सर। चाईबासा से आप क्या रिपोर्ट मांगेंगे भाई, वो है ही नहीं तो रिकॉर्ड देगा कि अगर भू अर्जन नहीं हुआ हो तो वो देगा कैसे कि भू अर्जन नहीं हुआ है, वो फिर पूरा रिकॉर्ड कितने साल का ढूंढेगा। नहीं सर, वो कैसे ढूंढेगा, अगर हुआ रहता तब तो रिपोर्ट निकाल के देता कि हुआ है, जब हुआ नहीं है तो रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। चलो एक सप्ताह बोलेगा जी, एक सप्ताह में आप कर दो इसका, सभी एसपी सुन लो, आम जनता के क्या थाना के प्रति, पुलिस विभाग के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, थाना हम क्यों खोलते हैं,